बिगुल बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का। उत्तर रायपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा जी हमारे समक्ष है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के आपकी आपके विधानसभा क्षेत्र में तैयारी है, क्या चैलेंजेस है, क्या रणनीति है, क्या मुद्दे, उस बारे में बताइए आप। देखिए, मुझे उत्तर विधानसभा का टिकट मिला है। मैं हमारे आदरणीय बड़े नेताओं का शुक्रगुजार हूँ। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया, आज मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है। उत्तर की रणनीति पूरी बनी हुई है। मैं संकल्पित हूँ कि मेरे को मतदाता भाई और बहन, मेरे युवा साथी जो कहेंगे वही मेरा क्रम रहेगा, वही मेरा कार्य रहेगा। एजेंडा तो बहुत है, धूल रहित करना है, पीने का पानी का व्यवस्था करना है, प्रधानमंत्री जी की आवास योजना जो अधूरा है, जो 2022 में पूरा हो जाना था, सरकार ने उसको रोक के रखा है, अपना शेयर सरकार ने नहीं दिया, उसको पूरा करना है, वहाँ के गड्ढा को भी पाटना है, शिक्षा को ठीक करना है। यहाँ पर हम स्कूल तो खोल रहे हैं पर उसमें हम टीचर्स नहीं दे पा रहे। मेरे जो एरिया है उसमें पंडरी आता है, कपड़ा मार्केट आता है, देवेंद्र नगर आता है, ऑफिसर रहते हैं, कहीं पर भी यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। जहां भी जाएंगे जाम लग रहा है। 5 साल में कोई पुलिस की भर्ती हुई नहीं, कोई ड्यूटी करता नहीं। तो इसलिए मेरा हमारा जब सरकार आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगा, मैं उत्तर से जीत गया हुआ, तो पहले यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है। आप शंकर नगर चले जाओ, जाम लगा हुआ है। आप देवेंद्र नगर आ जाओ, जाम लगा है। पंडरी चले जाओ, जाम लगा है, उसको दुरुस्त करूंगा। और व्यापारियों में एक विश्वास पैदा करने का प्रयास करूंगा कि उनका व्यापार रात तक, जैसे पहले रात तक जाते थे, रात तक चले और निश्चिंतता हिसाब से वो घर को जाए। अभी डर के जा रहे हैं, अभी सहमे हुए हैं कि कहीं लूट हो जाएगा, कहीं चाकू चल जाएगा, कहीं और कुछ होएगा, उसको सब निश्चिंता करने के लिए ये मेरे एजेंडे में है। और मेरा मेन एजेंडा है, मेरे मतदाता भाई बहन जो कहेंगे वो मेरा एजेंडा है। मिश्रा जी, आप क्या कहोगे कि मोदी सरकार ने जो 22,000 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी दी है उसका फायदा प्रदेश के किसानों को नहीं मिला, उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? देखिए, जितना भी मोदी जी ने बजट दिया उस अकाउंट में, उस मद में कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ। उदाहरण तौर पर आपको बताया मैं, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों का मकान का बात हो रही है। जो भी बजट मोदी जी देते हैं इसको मिसयूज कर देते हैं और दूसरे योजना में लगा देते हैं। हम इसलिए तो निंदा करते हैं, इसलिए तो छत्तीसगढ़ के लोग दुखी हैं और सरकार को बदलना चाहते हैं। अभी हमारे सरकार आने की तत्परता है, परिवर्तन की लहर है, मतदाता भाइयों में रोष है, खास करके रायपुर के उत्तर में, कि 5 साल में विधायक कभी नहीं गए, जहां भी गए केवल चौक में जाके खड़े होकर नमस्ते करने के सिवाय कुछ नहीं किए। और अभी जनता, रायपुर की जनता, उत्तर की जनता उनको नमस्ते करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा की पूर्व रमन सरकार ने 15 साल तक लगातार आदिवासी का शोषण किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो राजनीतिक मुद्दा है, शोषण किया रहता तो आदिवासियों का इतना उत्थान कैसे होता। आप देखिए, जगदलपुर में, दंतेवाड़ा में आदिवासी में जो हमने स्कूल एजुकेशन किया, जिसमें लोग कंपटीशन करके पढ़ने के, उसमें कितने IAS हो गए, कितने IPS हो गए। हमने आदिवासियों के लिए काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, हमने गरीबों के लिए काम किया। हम पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांतों पे चलते हैं, गरीब कल्याण का काम करते हैं। एक कर्मठ और निष्ठावंत नेता को इस हाई प्रोफाइल सीट से आपको उम्मीदवारी मिली हुई है, तो आप बताइए, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, ऐसे में जो सत्ता पक्ष है वो पनामा कांड को उछाल रहा है, तो उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? देखिए, कांग्रेसी का कल्चर रहा है गड्ढा खोदने का, इसलिए तो रायपुर उत्तर में गड्ढा ही गड्ढा दिख रहा है। आप एक बार घूम के कैसे गड्ढा दिख रहा है, तो इनका काम है, इसे काम करेंगे नहीं, कीचड़ उछालेंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ, सब देखिए, 15 साल में हमने उत्तर विधानसभा में जो काम किया,
स्टेशन से आप जाएंगे एयरपोर्ट तक 15 मिनट में आपके आवागमन पूरा हो जाएगा। आप स्टेशन से जाएंगे नवतरी रोड को, नहर रोड का लिंकिंग रोड किया हम, 10 मिनट आप पहुंच जाएंगे, पहले घंटों लगता था। आप तेरी बांधा चले जाइए, सरोवर का निर्माण किया हमने, भारत देश का सबसे ऊंचा झंडा लगाया भारत किसान के तौर पर, सुंदरीकरण किया, रोड किया, नाली किया, सब किया। परंतु ये 5 साल में जो कांग्रेस सरकार क्या की, नाली भी तो साफ नहीं कर पाई, जल कर ले रही है, मल कर ले रही है, पानी का टैक्स ले सब, और यूजर टैक्स लगा दिया। ये यूजर टैक्स है क्या, क्या यूज कर रहे हैं हम, कचरा साफ करने के लिए हमसे यूजर टैक्स लिया जा रहा है, जबकि हम नगर निगम टैक्स देते हैं, पानी का कर देते हैं, नल जल मल का कर देते हैं, सब तो दे रहे हैं। हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, तो आप ये बताइए कि आपके पार्टी को कितना फायदा होने जा रहा है? बहुत फायदा होगा, हमारे बहनों को 33% का आरक्षण दिया गया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी को, ये मातृ सम्मान है, बहनों का सम्मान है, और ये होना चाहिए था, बहुत दिन से पेंडिंग था, किए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार करता हूँ। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि रमन सिंह ये ईडी प्रवक्ता है और इनके संरक्षण से उत्तर दिल्ली जैसी ईडी छत्तीसगढ़ में घूम रही, क्या कहें? देखिए ऐसा नहीं है, जो इनकम ज्यादा करेगा और सोर्स को प्रूफ नहीं कर पाएगा उसे क्या इनकम टैक्स जाएगा? आप इतना क्यों कमाते हो भाई, आप इतना भ्रष्टाचार करोगे, कोई काम करोगे नहीं, पैसा खाली खाओगे, तो ईडी क्या, आईटी सब आएगा, और खाली कांग्रेस क्या नहीं है, बीजेपी क्या भी तो आए हैं। तो जो आय से ज्यादा काम इनकम, तो जो आय से ज्यादा काम इनकम किया उसके यहाँ इनकम टैक्स के लोग जाएंगे, जो भ्रष्टाचार किया उसके यहाँ ईडी के लोग जाएंगे, उसमें कोई नई बात नहीं, आदिकाल से व्यवस्था है। यहाँ पर लग रहा है ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस प्रोपोगंडा करती है, एक हुआ सौ का हल्ला करेगी, तो प्रोपोगंडा करती है ईडी। ये सत्ता पक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ईडी और सीबीआई का डर बताकर प्रदेश की जनता को और मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, उस बारे में क्या? देखिए डर बताने से तो कोई वोट नहीं देगा, डर नहीं है, लोग खुश हैं कि जो बेईमानी का पैसा कमाए हैं, जो गरीबों का पैसा लूटे हैं, जो आदिवासियों का पैसा लूटे हैं, जो युवा लोगों का पैसा का खा करके धोखा दिए हैं, ऐसे लोगों का ईडी का छापा रहा है, इनकम टैक्स छापा रहा है, क्योंकि हक के लिए लड़ रहे हैं हम। हक नहीं मिला किसी को, ना गरीबों को हक मिला, ना आदिवासियों को हक मिला, ना युवाओं को मिला। और पीएससी का भ्रष्टाचार देखिए ना, कांग्रेस के लोगों का बेटा बेटी दामाद का सिलेक्शन हो गया, अफसर के बेटी का समान सिलेक्शन हो गया, जो 40% के लिए रेंज में पास हुई उसका डिप्टी कलेक्टर बना दी, और मेरे जो भाई लोग पढ़े जिसको 90% पास होया, 99% पास हो गया, उसको नहीं कर सकते, मैं इसको निंदा करता हूँ। सर हमारी सरकार आएगी तो हम उसको निमंत्रण सही हिसाब से एग्जाम को कराएंगे और लोग पाएंगे, नौकरी मिलेगी लोग। रही बात मिलती की और किसानों की और बेरोजगारी की, इस सिलसिले में कांग्रेस सरकार पूर्ति कर पाई, आपका क्या एजेंडा रहेगा? करना ही नहीं चाहती, धोखा देना चाहती। किसानों को जो दिया कर्जा माफ, कौन सा कर्जा माफ भाई? अल्पकालीन ऋण का कर्जा माफ है कि दीर्घकालीन का है कि केसीसी का है कि कालातीत ऋण का, इस पर कहीं नहीं है ऋण माफ। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई साहब आपके माध्यम से, 5 एकड़ का जमीन है मेरा, रमन सिंह 15 साल तक सरकार थे, उन्होंने 5 एकड़ का पैसा दिया ना धान खरीदी में, ये क्यों 4 एकड़ कर दिए? क्योंकि मेड़ में हम खेत नहीं लगाए थे, इन्होंने रकबा को कम कर दिया। तो मेरा निवेदन है कि आपको पैसा यदि गरीबों का ही खाना था। सियासी हलकों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है, तो आप ये बताइए कि आप लोगों को विनिंग टारगेट क्या होने वाला है? देखिए मैं तो स्टार प्रचारक नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे मिला मैं जीतूंगा, जीत के आऊंगा मैं। अंत में आपका मतदाताओं के लिए क्या मैसेज होगा? मतदाताओं को मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वोट दें, मैं पढ़ा लिखा हूँ, हिंदू धर्म के साथ चलता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, आप मेरे साथ चलोगे तो आप सुखी रहोगे, सदगति मिलेगा, खूब धन संपत्ति मिलेगा, खूब कमाओगे, बच्चे आपके आराम से पढ़ लिखे सही जगह जाएंगे, यही प्रार्थना।